नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में। आज हम आपके सामने लाए हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हर इम्पोर्टेंट एग्जाम में बौद्ध धर्म व जैन धर्म से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिए क्योंकि यह से आपके 2 या 3 नंबर पक्के ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के लिए प्रचार के लिए किया गया है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी महाप्रजापति गौतमी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। महायान बौद्ध धर्म में बेशिष्टत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह पद्यपाणी नाम से। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पर है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो यह राजगृह में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद प्रणव राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह नागसेन के है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बोधगया स्थित है? तो बोधगया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्र वर्ग पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो तब उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल रहे हैं सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह हुई थी बोधगया में। बुद्ध ने किस स्थान पर महानिर्वाण परिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। तो दोस्तों बुद्ध ने जब मृत्यु को प्राप्त किया था तो उसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का है। बुद्ध में वैराग्य भावन किस 4 दृश्यों के कारण बलती है? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध हैं वो इन 4 घटनाओं को देख के वैराग्य भावना में चले गए थे। इससे पहले वे बिल्कुल ऐसे वातावरण में थे जहाँ उन्हें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यह वसुमित्र ने की थी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है तो क्या है? जातक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो यह अलार कलाम था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यह कपिलवस्तु में की गई थी।
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। तो दोस्तों यहाँ तक बौद्ध धर्म से रिलेटिव क्वेश्चन थे, अब हम जैन धर्म से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो यह हिंदू यूनानी थे। महान धार्मिक घटना महामस्ताकाभिषेक किसके संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली के लिए की जाती है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबापुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा था? तो यह ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, कहा जाता है जैन साहित्य को। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो यह उनके चचेरे भाई देवदत्त थे। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? चौदह पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्कली गोसार। महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला महावीर की माता का नाम था। शायदवाद का सिद्धांत है तो यह जैन धर्म से रिलेटिव है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। अनेकांतवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत का है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे और इनके पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सालुक्यों ने। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म यांत्रिक गोत्र में हुआ था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यह सातपतों ने की थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो भद्रबाहु को जैन ग्रंथ कल्पसूत्र का रचयिता माना गया है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए हैं और महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थकर थे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। त्रिरत्न सिद्धांत जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो यह त्रिरत्न सिद्धांत हैं। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमग्धी में। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, जितना भी बौद्ध धर्म से रिलेटिव है आपका वो ज़्यादातर पाली भाषा में लिखा होगा और जैन धर्म से रिलेटिव है तो वो प्राकृत भाषा में होगा। तो एक तरह से रट लीजिए, बौद्ध धर्म पाली भाषा में और जैन धर्म प्राकृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो यह थे स्थूल भद्र। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट साबित हो। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए।